हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त फिल्फाम। तो वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हूँ कुवैत में, अभी इधर के 4 बजे हुए हैं। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहली बार जो कुवैत आ रहा है काउंसलिंग की तरफ से या किसी एजेंट की तरफ से, आपका वीजे का काम हो गया है, पूरा टिकट आ चुका है, तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर ध्यान रखने वाली बातें यह है कि जैसे आपकी 4 बजे की फ़्लाइट है तो आप 4 घंटे पहले फ्लाइट से वहाँ पहले पहुँचो, एयरपोर्ट पे 4 घंटे पहले वहाँ पहले पहुँचो, क्योंकि वहाँ पे आपका चेकिंग होता है, आपका लगेज होता है, आपको बोर्डिंग पास लेना होता है, वहाँ पे भीड़ बहुत होती है ऐसा। तो फटाफट 4 घंटे पहले इसलिए पहुँचते हैं क्योंकि अपना फटाफट सारा काम हो सके। एंड जो काउंसलिंग वाले अपने को डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जैसे पासपोर्ट तो अपना होता ही है, अपने को टिकट ओरिजिनल नहीं देते, वो एक उसका फोटोकॉपी निकाल के देते हैं। तो वो फोटोकॉपी एंड आपका जो बूस्टर डोज है, वो जिसका भाई का बूस्टर डोज नहीं लगा हुआ है वो बूस्टर डोज लगा ले। और तीसरी चीज़ RT-PCR, वैसा ज़रूरी नहीं है RT-PCR, लेकिन फिर भी आप करा के रखो क्योंकि आप पहली बार आ रहे हो। खुदा ना खासा कुछ ऐसा कभी भी कुवैत वालों का क्या है, रूल चेंज हो जाता है, 2 मिनट में बोल देते हैं RT-PCR टेस्ट, 2 मिनट में बोलते नहीं, फिलहाल तो नहीं लग रहा लेकिन फिर भी करा के रखो, उनका कोई पता नहीं रहता। कुवैत वालों का कभी भी इंडिया वालों को बोल देते हैं भाई जो भी बंदे आ रहे हैं वो RT-PCR टेस्ट करा के आए, उनका नियम कभी भी चेंज हो सकता है। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके आप एयरपोर्ट पे 4 घंटे पहले जाइए एंड आपका चेकिंग होएगा। और दूसरा चीज़, अब वहाँ पे हड़बड़ाइए मत, सारा सिस्टम वाइज हो जाएगा। आप 4 घंटे पहले इसीलिए तो आप पहले जाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। कहने का मतलब, मैं भी कुवैत आया, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, अभी मैं फ़िलहाल कुवैत में हूँ, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आप जिसे एंट्री करोगे एयरपोर्ट पे, आपका डॉक्यूमेंट देखेगा, डॉक्यूमेंट्स देख के आपको अंदर एंट्री देगा, एंट्री देगा जैसे भाई की इंडिगो की फ़्लाइट है, जंजीरा की है, कुवैत एयरलाइंस की है, तो वहाँ पे कैसा स्टोर रहता है तो उधर लाइन लगा रहता है। तो आप जैसे आपका इंडिगो का है तो आप इंडिगो वाली लाइन में लगे जाओ, वहाँ पर आपका पासपोर्ट और अपना वीज़ा ओरिजिनल होता है और PCC उसे डॉक्यूमेंट सब एक ही साथ में रखो, तो उनको आप दोगे तो आपको वो बोर्डिंग पास निकाल के देंगे। आपके पास लगेज है 30 किलो तक आप लेके जा सकते हो, कुवैत में 30 किलो तक ले जा सकते हो। तो हाँ, बैग में ध्यान रखने वाली ये बात है कि बैग में पावर बैंक एंड मोबाइल लगेज में मत रखिए, आप हैंड बैग में रख सकते हैं। पावर बैंक का नहीं बोल सकता मैं क्योंकि मैंने पावर बैंक में लेके नहीं आया, तो मेरे को पावर बैंक का नहीं पता, शायद पावर बैंक अलाउड नहीं है। एंड फिर आपका बोर्डिंग पास हो गया, फिर आपको अंदर फिर वापस एंट्री करना होता है। आप वापस जैसे एंट्री करोगे वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा एंड स्टैम्प मार के देगा कि हाँ भाई ये जो बंदा वीजा है बंदे का वो कुवैत इस तारीख को आ चुका है, ऐसा स्टैम्प मार देते हैं कि हाँ भाई निकल चुका है ऐसा। फिर आप वहाँ पे टिकट पे बोर्डिंग पास पे आपका सीट नंबर एंड वहाँ का गेट नंबर रहता है वो लिखा रहता है, तो आप अपना देखिए गेट नंबर कितना क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आप आगे चलिए। जैसे आपका 2 है तो उधर लाइन रहता है कि 2, 3, 4 लेफ्ट में है, 3, 4, 5 ऐसा राइट में है, ऐसा रहता है, तो उसके हिसाब से आप चलो। आप जैसे आगे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि अपना गेट है तो उधर कुर्सी लगी रहती है, वहाँ पर जाके बैठ जाओ। तो बैठने के बाद फिर वो सिस्टम वाइज प्लेन के अंदर जैसे उनका टाइम होता है उसके हिसाब से वो अंदर भेजते हैं अपने को, जैसे अपना सीट है उस हिसाब से देख के बैठ जाओ। और जैसे प्लेन का आपका सफ़र पूरा हो जाता है, जैसे कुवैत में एंट्री कर जाते हो तो आप जिस कंपनी में आए हो उस कंपनी के बंदे आपको लेने आ जाएंगे, तो वो टेंशन मत लो कि आपको कंपनी वाले बंदे आएंगे नहीं आएंगे, एजेंट है काउंसलिंग वाले आपको नंबर देते हैं इधर का ड्राइवर का एंड आपको पेपर देते हैं, जैसे बोलते हैं कि आप जैसे एक चीज़ बाहर पर खड़े रहोगे तो ये पेपर ऐसे हाथ में पकड़ के खड़ा रहो, तो कंपनी वाला आपको देखेगा तो वो पहचान लेगा कि हाँ ये मेरी कंपनी का बंदे, तो वो आएगा आपको रूम पर ले जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो
एंड जब तक मैं कुवैत में हूँ अब तक ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहूँगा। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में।